वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों सुबह मैंने एक वीडियो दिया था, उसमें 10 बजे है ना, 10 बजे एक वीडियो दिया है मॉडल सेट नंबर 11 का, और उस 11 सेट का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया है। तो आप लोग जाके वहां से डाउनलोड करें, पढ़ें, वीडियो को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि क्यूज अटेंड कीजिएगा और जितने आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, वो क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि अभी का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर का, तो यहां से रिलेटेड जो भी, चूंकि ये आपका सिलेबस में है ये चैप्टर, तो इसलिए मैंने इसको लेकर आया हूं। तो इस चीज को अटेंड करें, इस क्यूज को, यहां 30 से 32 प्रश्न है मात्र, और इसको अटेंड करके देखें कि आपको ये उत्तर आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आंसर देने का नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, ये मॉडल सेट नंबर है 12। इस वीडियो को खत्म होते ही इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा, तो प्लीज आप लोग ज्वाइन करें एजुकेशन की 86 को टेलीग्राम पे भी। चलिए लेकर चलते हैं अब आपको हम इसके उन सभी प्रश्नों पे जहां पे इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। देख सकते हैं सुबह में आपको ये मॉडल सेट नंबर 11 दिया जा चुका है, और ध्यान रखिएगा शाम को 6 बजे मॉडल सेट नंबर 13 भी आपको दे दिया जाएगा उसका पीडीएफ के साथ, और अगर पीडीएफ रेडी रहा तो मॉडल सेट नंबर 14 भी आपको दे दिया जाएगा आज ही के दिन। तो चैनल पे विजिट करते रहिए और चैनल पे जाके आप टेलीग्राम चैनल पे जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड करते रहिएगा। चलिए लेकर चलते हैं अब आपको इन सभी प्रश्नों पे जो कि आज के इन टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, नीचे आंसर कमेंट कीजिएगा बिना टाइम गवाए। एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच इट, उसको क्या कहते हैं, नोट कीजिए यहां पे, आंसर कीजिएगा। दुखी चूंकि ये जो हमारा सिनारियो है अभी का, ये कंप्यूटर हार्डवेयर से क्वेश्चन होंगे, इसलिए आपको आंसर यहां पे एक एक करके देने होंगे। दोस्तों एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी, देख सकते हैं और उसको टच कर सकते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों हार्डवेयर। क्या कहते हैं उसको, आंसर हो गया डी, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर, इनमें से कौन सा है जो कि हार्डवेयर नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसलिए आप लोगों को आंसर देना बहुत मस्ट है, और आप सभी के आंसर यहां पे हम इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग आंसर कीजिएगा। जितने लोग क्यूज देख रहे हैं प्लीज आंसर कीजिए आप लोग, ज्यादातर लोग यहां पे आंसर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, उनके लिए ये मेहनत किया जा रहा है, तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और आंसर भी कीजिए आप लोग, ताकि ये क्वेश्चन ना याद रह सके आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर, तो जावा जो है एक तरह का लैंग्वेजेस है, ठीक है, लैंग्वेज है ये, प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, ये जो है ये एक तरह का हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर गेट्स विच विथ द हेल्प ऑफ माउस, जॉयस्टिक और कीबोर्ड, जो हमारा कंप्यूटर में माउस, जॉयस्टिक और जो कीबोर्ड है ये क्या करता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके हेल्प से क्या होता है, ये बताना है आपको दोस्तों। नीचे आंसर कमेंट कीजिएगा, 3 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा तो शायद आपको ये याद रह सकेगा। आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये इनपुट देता है हमारे कंप्यूटर में यूजर के थ्रू। जी हाँ, आप अगर यूजर हैं, आपको अगर कोई भी डेटा आपको इनपुट कराना है, मतलब कंप्यूटर को देना है, तो आप इन तीनों के जरिए, माउस, जॉयस्टिक और कीबोर्ड के जरिए आप इनपुट दे सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर कीबोर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ, जल्दी से आंसर कीजिएगा दोस्तों यहां पे, कंप्यूटर कीबोर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ। चलिए, तो अभी मैंने बताया कि ये इनपुट डिवाइस है, तो आंसर कीजिएगा इट्स अ बी, जिनका भी उत्तर आ रहा है बी यहां पे वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच की इज ऑल्सो नोन एज टूगल की, चलिए ये टूगल कीज क्या है इसके बारे में बताइए आप हमें नीचे कमेंट करके, कि विच कीज इज नोन एज ऑल्सो टूगल कीज। देखिए आपको बता दें कि अगर आप लोग कंप्यूटर कभी भी यूज करेंगे, है ना, तो टूगल कीज में यहां पे कैप्स लॉक और नम लॉक जो है, कैप्स लॉक का यूज आप शिफ्ट दबा के भी कर सकते हैं, शिफ्ट दबा के किसी भी वर्ड को लिखेगा वो कैप्स में लिखाएगा, यानी कि कैपिटल वर्ड में लिखाएगा, और न्यूमेरिकल के लिए आपको साइड में अगर अपने कीबोर्ड पे देखेंगे तो वहां पे नम लॉक करके एक कीज होता है, उसको भी टूगल कीज कहते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो स्पेशल कैरेक्टर का हम लोग यूज कर सके अपने इनपुट के लिए,
ठीक है, याद रखिएगा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, सी, ये दोनों ही आंसर है यहां पे सही, तो इसलिए आंसर एक और दो दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसका है यहां पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, यू कैन यूज द टैब की टू, टैब की का यूज क्यों करते हैं हम लोग, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर कीजिएगा दोस्तों, जिनका भी उत्तर आ रहा है यहां पे जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। देखिए बहुत ही कम क्वेश्चन है अभी इस चैप्टर से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फिर भी यहाँ पे 30 से 32 क्वेश्चन मिले हैं, तो आप लोग देखिए आंसर करने के बाद लास्ट में जरूर बताइएगा कि कितने उत्तर आप लोग ने सही किए हैं। यू कैन यूज द टैब की, तो जी हाँ बिल्कुल सही, जिनका उत्तर आ रहा है ए, मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, मूव द कर्सर, जो भी आप यूज करते हैं, मान लीजिए सपोज आप ब्राउजर पे काम कर रहे हैं और आप एड्रेस बार पे कुछ ने आपने टाइप किया, जैसी टैब की बताई दबाएंगे आप, टैब की है ना, तो वो क्या करेगा आपको इस ब्राउजर टैब से निकाल कर आपको स्क्रीन टैब पर ले आएगा। जी हाँ ये ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरह के एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल हैं इसके, यूजेज हैं टैब कीज के, जो कि आप कंप्यूटर में पढ़ेंगे। तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि टू मूव द बिगिनिंग ऑफ लाइन टू टेक्स्ट प्रेस द की, कौन सी कीज को आप दबाएंगे कि आप सीधे बिगिनिंग पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, लाइन के, एक लाइन के आप बिगिनिंग पे, सपोज मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ लिखा, दिस इज माई होम, ठीक है, और यहाँ पे आपका कर्सर है इस जगह पे, ठीक है, तो कौन सा ऐसा बटन है जो दबाएंगे आप कि आप इस पोजिशन पे पहुंच जाएंगे, इस पोजिशन पे, फर्स्ट लाइन पे, ठीक है, लाइन ऑफ द फैक्ट। तो सेवेंथ का आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ होम बटन, आपका कीबोर्ड पे होता है होम बटन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर कीजिए, द विच की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन, जल्दी से आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहां पे क्वेश्चन नंबर एट भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा कीज यहां प्रेस करने पर, यानी कि यूज करने पर यह स्टार्ट बटन लॉन्च करता है। तो दोस्तों विंडो बटन, आपके कीबोर्ड पे एक विंडो बटन का साइन होता है, ठीक है, उसको जब जैसी दबाएंगे तो ये स्टार्ट बटन यानी कि मेन्यू बटन जो है उसको ओपन कर देता है। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्पेस बार इज यूज्ड फॉर, चलिए आंसर कीजिए। स्पेस बार तो आप लोग यूज करते होंगे स्पेस देने के लिए, है ना, किसी भी दो वर्ड के बीच में स्पेस देना हो तो आप स्पेस बार का यूज करते हैं। वैसे आंसर आपको क्या करना है यहाँ पे, गिविंग द स्पेस, आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, चलिए शिफ्ट कंट्रोल अल्ट ये एग्जाम्पल है, एमोंग द फॉलोइंग कैटेगरी, किस कैटेगरी के एग्जाम्पल है ये, शिफ्ट कंट्रोल अल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन, क्योंकि देखिए डेटा एंट्री का जो काम होता है वो जितना भी आप शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं टाइपिंग में उसका एग्जाम होता है। तो शॉर्टकट देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने सारा खत्म कर दिया आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को शॉर्टकट की जो एब्रिविएशन भी दिए हैं उनको याद रखिए आप लोग। तो यहां पे शिफ्ट कंट्रोल अल्ट का एग्जांपल किसका है दोस्तों, तो आंसर कीजिएगा, इट्स अ मॉडिफायर की, क्या होते हैं ये, मॉडिफायर की होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन नहीं है ये बताना है, चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। देखिए माउस से हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस यानी कि पॉइंटिंग कर सकते हैं, जॉयस्टिक से भी, ट्रैक बॉल से भी, बस कीबोर्ड जो है एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है, आंसर यहां पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर माउस, किस तरह का यह डिवाइस होता है कंप्यूटर माउस, जल्दी से आंसर कीजिएगा। ये भी इजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में वैसे, है ना, तो आंसर कीजिएगा 12th का, इट्स अ इनपुट डिवाइस, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, आंसर यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इट्स अ सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है आज का, तो ये विच ऑफ दिस अ पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस, पॉइंटिंग भी है और ड्रॉ डिवाइस भी है, चलिए 13 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहां पर देखिए माउस के जरिए जो है आप यहां पे पॉइंटिंग भी कर सकते हैं और ड्राइंग भी कर सकते हैं, इसलिए आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, माउस। 14th का आंसर कीजिएगा, फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय, चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे।
फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय, 14 का आंसर कीजिएगा दोस्तों यहां पे, इट्स ए ड्यूग्लस इनलबर्ट, ठीक है ड्यूग्लस इनलबर्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पे, कीबोर्ड एंड विच आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, इन चार में से इनपुट डिवाइस का एक यहाँ पे नाम बताना है। कीबोर्ड तो है ही एक्चुअली ऑलरेडी, उसके अलावा देखिए मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है जहाँ पे आप लोग अपना रिजल्ट देख पाते हैं, मॉडेम प्रिंटर या माउस, तो माउस जो है दोस्तों आपका एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है, मॉडेम भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखें, ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन, ट्रैक बॉल जो है वो किसका एग्जाम्पल है, 16 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, क्या ये प्रोग्रामिंग डिवाइस है, क्या ये पॉइंटिंग डिवाइस है, या आउटपुट डिवाइस है, या प्रिंटिंग डिवाइस है, जल्दी आंसर कीजिएगा, अभी ऊपर ही मैंने इसके बारे में बताया है दोस्तों। तो ट्रैक बॉल जो होता है दोस्तों एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, क्या होता है पॉइंटिंग डिवाइस होता है, आंसर कीजिएगा इट्स अ बी, ठीक है। चलिए जिनका भी उत्तर बी आया सही है, और जॉयस्टिक इज अ प्राइमरीली यूज फॉर, किसके लिए सबसे पहले यूज किया गया, 17 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। आई थिंक मुझे लगता है कि सभी लोग यहां पे आंसर सही करेंगे, जॉयस्टिक का सबसे पहले यूज किया गया दोस्तों कंप्यूटर के गेमिंग में, जी हां कंप्यूटर गेमिंग में इसका यूज किया गया, आंसर यहां पे बी करेंगे। अगला क्वेश्चन, अ जॉयस्टिक अलाउ मूवमेंट इन विच एंगल, तो आंसर कीजिए, देखिए गेम खेलते हैं तो आप लोग गेम अगर खेलते हैं जिस भी माउस या जॉयस्टिक से, वो जो है 360 डिग्री एंगल पे आपका घूमना बहुत ही जरूरी है, तभी तो आप इजीली मूव कर सकोगे अपने गेम में, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन, अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग ग्राफिक्स एंड अ मेन्यू सेलेक्शन, चलिए वैसा डिवाइस जिसे आप लोग ड्राइंग के लिए ग्राफिक्स के लिए और मेन्यू सेलेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 19 का। तो देखिए यहाँ माउस के जरिए तो हम ड्राइंग कर सकते हैं पर ग्राफिक्स का यूज नहीं कर सकते, मेन्यू सेलेक्शन का कर सकते हैं पर ग्राफिक्स का यूज नहीं कर सकते, कीबोर्ड से तो कर ही नहीं सकते हैं ड्राइंग वगैरह, टच स्क्रीन से भी आप नहीं कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं बस, ग्राफिक्स कर सकते हैं, मेन्यू सेलेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट पेन जो है ये आंसर होगा आपका दोस्तों, इट्स अ डी, नोट कर लीजिएगा 19 का आंसर क्या हो जाएगा, इट्स अ डी लाइट पेन, जी हाँ लाइट पेन का आप लोग यूज़ किए होंगे, ड्राइंग में भी यूज होता है, उसका ग्राफिकल यूज भी होता है, और इससे हम लोग मेन्यू का सेलेक्शन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, विच इज जनरली यूज इन द एप्लीकेशन लाइक ATM, हॉस्पिटल, एयरलाइंस रिजर्वेशन, ETC। 20 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, जी हाँ किसका हम लोग जनरली यूज करते हैं एप्लीकेशन, ATM में, हॉस्पिटल्स में, एयरलाइंस में, रिजर्वेशन में, तो हम लोग जनरली टच स्क्रीन का यूज करके इनका यूज करते हैं एप्लीकेशंस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 21 द पैटर्न, देखिए 20 का आंसर देख लीजिएगा एक बार फिर से, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, है ना, टच स्क्रीन जनरली हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशंस के लिए, ATM में, हॉस्पिटल्स में, एयरलाइंस में, ओके। अगला क्वेश्चन 21 द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन मोस्ट, चलिए 21 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन, प्रिंटेड लाइन्स जो आप कभी देखते होंगे आप लोग अपने किसी भी प्रोडक्ट पे जब परचेज करते हैं उस पर कुछ बार कोड बने होते हैं, कुछ इस तरह के या कुछ इस तरह के लाइनिंग होती हैं, ठीक है, तो वो बार कोड्स होते हैं, क्या होते हैं, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, वो बार कोड्स होते हैं वो पैटर्न। अगला क्वेश्चन, अ बार कोड रीडर इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है बार कोड का रीडर, जल्दी आंसर कीजिएगा, जिससे हम लोग बार कोड रीड करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, 22 का आंसर कीजिएगा जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट करते रहें ताकि ये क्वेश्चन आपको याद रह सके, PDF तो मैं दे ही दूंगा, शायद आप पढ़ भी लें याद ना रह सके, तो इसलिए आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 22 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, बारकोड जो है एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, जी हाँ आउटपुट डिवाइस है ये दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रीडर की बात हो रही है, जी हाँ ठीक है, ये रीडर समझ के आप लोग इनपुट डिवाइस मत सोचिए, ये रीड कर रहा है, ठीक है, राइट करता, लिखता, इनपुट देता, तो ये इनपुट डिवाइस होता, ओके। अगला क्वेश्चन,
एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट पेंसिल मार्क्स ऑन अ पेपर मीडिया इज कॉल्ड। दोस्तों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, दोस्तों आंसर कीजिएगा, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स। आप लोग OMR में यूज़ किए होंगे, OMR स्टेट पे आप एग्ज़ाम दिए होंगे, उस चीज़ को अगर आप देखिए सिस्टम में देखेंगे तो ये एक तरह का ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो कि इंटरप्ट करता है क्या, तो पेंसिल मार्क्स को वहाँ पे इंटरप्ट करता है ऑन द पेपर मीडिया, ठीक है। उसके बाद पेपर मीडिया पे इसे निकाल के हम लोग यूज़ करते हैं, उसको OMR कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24। द OCR इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, नीचे कमेंट कीजिएगा अपने आंसर्स को भी ध्यान से। तो देखिए OCR का यूज होता है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, टेलीफोन बिल्स के लिए, तो डी हो जाएगा आंसर दोस्तों यहाँ पे, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए OCR रिकॉग्नाइज द, देखिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, OCR रिकॉग्नाइज द विच ऑफ द कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों 25 का यहाँ पे, द OCR रिकॉग्नाइज द विच ऑफ द कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्सेज। 25 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी शेप, यहाँ इसको शेप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 26 का आंसर कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR। ये मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में आपको, इसलिए आपको आंसर करना होगा यहाँ पे दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। देखिए आंसर कीजिएगा दोस्तों 26 का, नोट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, 26 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इट्स अ डी, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, आंसर डी हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ओके। अगला क्वेश्चन, लार्ज अमाउंट ऑफ चेक आर प्रोसीज बाय यूजिंग द लार्ज अमाउंट। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, लार्ज अमाउंट, बड़े अमाउंट का चेक जो होता है वो आप कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, किसका यूज करके। 27 का आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल जिनका उत्तर आ रहा है MICR का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ चेक में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड द काइंड ऑफ स्मार्ट कार्ड। 28 का आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, मेमोरी कार्ड एंड द माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, क्या होगा आंसर, सी हो जाएगा, वन और टू बोथ ऑल्सो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 29, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विच रिकॉग्नाइज फिजिकल, देखिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे, फिजिकल ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विच रिकॉग्नाइज फिजिकल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। 29 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बायोमेट्रिक स्कैनर सेंसर, माफ कीजिएगा बायोमेट्रिक सेंसर, ठीक है, जिसे हम लोग फिजिकली इसका यूज करते हैं इंडिविजुअल के लिए, किसी भी एक बार में एक ही ये इनपुट आउटपुट ले और दे सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, अ डिवाइस दैट मेक द कॉपीज एंड द रिप्रोड्यूस टेस्ट एंड द इमेज इज कॉल्ड। 30 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, अ डिवाइस दैट मेक द कॉपीज, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि कॉपीज क्रिएट करता है एंड द रिप्रोड्यूस टू टेस्ट एंड इमेजेस इज कॉल्ड। बिल्कुल आप इसका स्कैन करके स्कैनर के जरिए, जी हाँ, किसी भी टेस्ट को आप लोग इमेज बना सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेस्ट बना सकते हैं उसका कॉपी करके भी। अगला क्वेश्चन है, विच इज यूज टू रीड द हैंड रिटन और प्रिंटेड टेस्ट टू मेक द डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, किसका यूज करेंगे, हैंड रिटन जो चीजें लिखी रहती हैं उसको प्रिंट करने के लिए, उनके टेस्ट को प्रिंट करने के लिए, प्रिंटेड टेस्ट टू मेक द डिजिटल इमेज, और इसको डिजिटल इमेज बनाने में। 31 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ टच पैड, आंसर डी हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल टच पैड का आप यूज कर सकते हैं और इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और आज का ये आखिरी प्रश्न है कि द इनपुट डिवाइस टू बी यूज टू गेट अ प्रिंटेड डायग्राम इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। इनपुट डिवाइस टू बी यूज, देखिए इनपुट आउटपुट हार्डवेयर से, या कंप्यूटर हार्डवेयर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे मैं आपको दे चुका हूँ इस वीडियो में,
और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इट्स ए स्कैनर। जी हाँ, आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न थे ये कंप्यूटर हार्डवेयर के, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से थे। इसका पीडीएफ आप लोग उठाइए, पढ़िए इसको अच्छे से और एक बार थ्रोली रीड कर जाइए। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कंप्यूटर हार्डवेयर वाले टॉपिक से। ठीक है, चलिए अब शाम को 6 बजे मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि वहाँ पे एक अगला चैप्टर होगा। ठीक है, तो आज हमारे साथ यहाँ बने रहें आप इस वीडियो में, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे शाम को 6 बजे और YT एजुकेशन पे शाम को भी आपको बिहार दुर्गा स्पेशल क्यूज मिलेगा आज से। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।